Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken class. Friends, today I am going to teach you about use of as soon as and no sooner than. Okay friends, as soon as or no sooner than ka istemal hum kis tarah ke sentences mein karte hain aur kyun karte hain. Okay friends, so let's start the class of the day. Friends, मैंने लिख रखा है पहले से सेंटेंसेस नो सूनर देन एंड एज सून एज. इसका इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए और क्या व्यक्त करने के लिए करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो अध्यापक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं. अध्यापक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं, या इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ज्यों ही अध्यापक आते हैं बच्चे खड़े हो जाते हैं, या जैसे ही अध्यापक आते हैं बच्चे खड़े हो जाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कैसे बनाएंगे. तो एज सून एज अ टीचर कम्स, एज सून एज अ टीचर कम्स, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है नियम लागू करेंगे. यहां पर हम बच्चे खड़े हो जाते हैं, चिल्ड्रन स्टैंड अप. As soon as a teacher comes, children stand up. जैसे ही टीचर आते हैं बच्चे खड़े हो जाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसी को ये no sooner than का इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं और यूज भी करते हैं. तो उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, no sooner does teacher कम. यहां पर जब भी हम नो सुनर का इस्तेमाल करेंगे तो नो सुनर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जरूर करेंगे. चूंकि ये प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का सेंटेंस है इसलिए हमने यहां पर डज का इस्तेमाल किया है. ठीक है फ्रेंड्स, डज का इस्तेमाल करने के बाद यहां पर कम से नहीं होगा, कम होगा. तो नो सुनर डज टीचर कम देन, इसके बाद यहां पर देन लगाना जरूरी है, देन चिल्ड्रन स्टैंड अप. ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर ध्यान क्या रखना है, अगर नो सुनर का इस्तेमाल करके हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोल रहे हैं या बना रहे हैं तो यहां पर नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, फिर उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस शुरू होता है उससे पहले हम देन का इस्तेमाल जरूर करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसका हम पास्ट वाला एक सेंटेंस लेते हैं. जैसे ही पिताजी आए मैं पढ़ने लगा, तो एज सून एज फादर केम. यहां पर केम क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है इसलिए वर्ब का दूसरा फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हम कर रहे हैं. मैं पढ़ने लगा, आई स्टार्टेड टू रीड. एज सून एज फादर केम आई स्टार्टेड टू रीड. अगर इसका हम नो सूनर से इस्तेमाल कर रहे हैं, नो सूनर, तो नो सूनर डिड फादर कम. यहां पर कम हो जाएगा क्योंकि यहां पर हम डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और डिड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है इसलिए यहां पर हम डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, डू और डज का इस्तेमाल नहीं होगा पास्ट में. ठीक है फ्रेंड्स, और जब डिड का इस्तेमाल होगा तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन यहां पर देन लगाएंगे, फिर उसके बाद आई स्टार्टेड टू रीड. ये सेकेंड सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ देन लगाना है. यही आपको ख्याल रखना है कि नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, और ये जब सेंटेंस कंप्लीट होगा पहला सेंटेंस तो दूसरा सेंटेंस शुरू करने से पहले हम देन का इस्तेमाल जरूर करेंगे. मुझे देखते ही वह भागने लगा, या जैसे ही उसने मुझे देखा वह भागने लगा, या ज्यों ही मुझे उसने देखा वह भागने लगा. तो एज सून एज He saw me, he started to run. ठीक है, as soon as he saw me, he started to run. अभी no sooner से, तो no sooner did he see me,
Then he started to run. Okay friends, तो इस तरह से हम एक ही सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं और जो भी आपको इजी लगे वो इस्तेमाल कर सकते हो आप. पहला इजी लगता है तो पहला इस्तेमाल करो और दूसरा वाला इजी लगता है तो उसको इस्तेमाल करो. बट इस्तेमाल दोनों ही होते हैं, आपको दोनों को याद रखना है, दोनों ही समझ के रखना है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा नो सुनर और एज सुन एज का इस्तेमाल. उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा. तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.